हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज हम लोग जल्दी इसलिए रेडी हो गए हैं क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में है गुरु पूरब का सेलिब्रेशन। आंकी आल्सो रेडी। आंकी सो वी आर रेडी। और अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले यहाँ पे कुछ वो लोग पाठ पढ़ते हैं, देन अरदास करके देन भंडारा होगा। सो लंगर होगा, नॉट भंडारा, लंगर होगा। सो वी आर जस्ट गोइंग एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट एंड आई विल शो यू कि कैसे यहाँ पे सेलिब्रेशन है। सो स्टे ट्यून एंड हियर वी गो। आनो बाबू। अरे मम्मी का सूट छोड़ो, आप इतने क्यूट लग रहे हो आज, हैं? न्यू शूज पहन के एकदम या फुल। तो गुरुपुरब सेलिब्रेट करने के लिए रेडी? आनू आज सेलिब्रेट कर रहे, आनू लंगर खाएगा। आनू कितने क्यूट तो शूज है, सबको अपने शूज दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुड बेबी। आनू बाबू हेलो। सो हम लोग निकल गए हैं और अभी वहाँ पे अरदास चल रही है। हम लोग जस्ट आनू को रेडी वेडी करने में सुबह थोड़ा टाइम लग ही जाता है, आपको पता है बच्चों के साथ। आप लोग को आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, सेलिब्रेशन हो रहा है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो आगे। नानक को गुरपुरा पिट सगले दुख विनाशे वड्डी विद्याल कर सो गाइस बहुत अच्छी अरदास हुई है ना। अब सब लोग का यहाँ पे लंगर चल रहा है, मैं जस्ट अभी खा के आनू को पकड़ा है। अब सो अब अंकित खा रहे हैं और बहुत बहुत यम्मी लंगर था, लोगों ने खुद अपने हाथ से बनाया, बहुत अच्छा एंजॉय कर सो हम लोग वापस आ गए थे वहां से और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। उन लोगों ने लंगर में वो लंगर वाली दाल कढ़ी और अचार चावल वो प्रसाद जो रोटी कहते हैं वो था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लगा। बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे पूरा फंक्शन अटेंड किया है चंडीगढ़ में रहते हुए एंड आई रियली रियली लाइक इट। और बेस्ट पार्ट वॉज की सब कुछ सोसाइटी वाले लोग कर रहे थे, मतलब खाना भी इन लोगों ने खुद बनाया हुआ था एंड इन लोगों ने हर एक चीज हर एक अरेंजमेंट खुद किया था। तो बहुत बहुत अच्छा था। हम लोगों को तो मुझे आने की वजह से टाइम मिला नहीं कि मैं सेवा करूं, बट लोग कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा था। इट वॉज रियली रियली वेरी गुड एंड गुरुपुरब मैंने आपको दिखाया कैसे सेलिब्रेट होता है, इस तरीके से ही होता है। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। स्टे ट्यून, अभी मैं खत्म नहीं कर रही हूँ, अभी तो दोपहर 3:30। अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। सो गाइस उठते ही बालकनी से इतना प्यारा व्यू दिखाना, मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये जस्ट मेरी बालकनी से एग्जैक्ट एज इट इज़ दिख रहा है और ये इतना प्यारा वेदर है ना, इतना सूदिंग वेदर लगता है ना। और ये व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब लोग कहाँ कहाँ जाते हैं सब व्यू देखने के लिए और मेरे को मेरे घर से दिख जाता है। अरे दोनू इतनी खुश होती को मैं उनको देख के। पिकबू पिकबू
See you, Guju. सो दैट वॉज इट फॉर द डे और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोग को ये सेलिब्रेशन गुरुकुरुप को बहुत अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मुझे तो ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सेलिब्रेशन कैसा लगा। बिकॉज एक्चुअली गुरुपुरब था पहले बट इन लोगों ने सेलिब्रेशन अभी किया है क्योंकि संडे था, लास्ट संडे मेनी पीपल वर नॉट फ्री और इसमें सब लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था तो सब लोगों की छुट्टी होना जरूरी था तो इसलिए इन लोगों ने संडे सेलिब्रेशन किया। सो एनी हाउ उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल अबाउट कि आप सेलिब्रेट करते हो। सो अब आनू अभी तक नहीं सोई है सो जस्ट उसको सुला के देन वील हैव अ डिनर। आज के ब्लॉग को अभी मैं यही एंड करती हूँ, अब आपसे मिलेंगे जल्दी कल। सो स्टे ट्यून एंड जस्ट सी माई ब्लॉग्स रेगुलरली गाइज। आई होप आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। सो प्लीज टेल इट टू मी एंड गुड नाइट फॉर द डे, बाय बाय।